मनरेगा के माध्यम से सेंक्शन करवा दिए, एक टंकी इसमें एक टीन सेट की है और नरेगा के नरेगा के माध्यम से होगा वो तो सरपंच साहब देख लो इनका कब्रें जो खुद भी हैं जो कब्रें हैं खुद वापस से पानी करवाते हैं और टैंकर बढ़ा देते आप सुनो दुख है तभी तो आए अभी तो आए इसलिए तो आए नहीं तो क्या आते। आज आपने सोली और बालोट में दौरा किया है क्या? सोली और भारत में जो अतिवृष्टि हुई थी उस दोनों गांवों का दौरा किया है और गांव में जो मकान ढहे हैं और जो नुकसान हुआ है उसी दिन तहसीलदार जी और एसडीएम को आदेश दे दिए थे कि बाकायदा वो मौके पे जाएं सर्वे करवाएं। सर्वे पूरा हो चुका है, कल पूरा हो चुका है, सरकार को रिपोर्ट भी भिजवाई जा चुकी है। अब लोगों को जो मदद देने वाली बात है लोगों को अपनी आईडी के माध्यम से ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन कराना है। जैसे ही ऑनलाइन होगा बाकायदा भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जहाँ तक कि मेडिकल से संबंधित कोई दवा है या छिड़काव है वो सीएमएचओ को साथ लाएँ। सीएमएचओ साहब ने अपनी टीम पहले भेज के करवा लिया है और जिस भी व्यक्ति को जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेंगे। सरपंच और हमारे जो सरपंच और बुहाना के जो प्रधान जी हैं साथ हैं और उनको भी ये आग्रह किया गया है कि लोगों की मदद करने में हम पीछे नहीं रहें। जो भी मदद की आवश्यकता है जिसको भी, चाहे कुएं दोबारा खुदवाने वाली बात है, चाहे लोगों को खाने के लिए सामान देने की बात है या रिकंस्ट्रक्शन दोबारा कोई पुनर्निर्माण की बात है, इस तरह के प्रस्ताव बनाएं, बना के हमारे पास भिजवाएं। बाकायदा उनको जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी बिल्कुल करेंगे, निर्माणों को पुनः चालू करवाएंगे।